सावली जावला हनुमान मंदिर खाते आवनारी आगामी लोकसभा चूंटणी ने अनुलक्षी ने जिला प्रमुख और प्रभारी अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक मड़ी। लोकसभा चूंटणी नजीक आता राजकीय पार्टीओ सक्रिय थी है त्यारे प्रदेश कांग्रेस की सूचना थी जिला कांग्रेस प्रमुख और प्रभारी अध्यक्षता में आज सावली डेसर तालुकाना कांग्रेस कार्यकरो मोटी संख्या में सावली खाते जावला हनुमान मंदिर भेगा थी आगामी चूंटणी ने व्यूहरचना अंगे विचार विमर्श कर्यो हतो। प्रभारी राजेंद्र सिंह परमार, माजी धारासभ्य भीखाभाई रबारी, जिला कांग्रेस प्रमुख जसपाल सिंह पड़ियार, सावली माजी धारासभ्य खुमान सिंह चौहान, जिला पंचायत सभ्य डॉक्टर प्यारी साहेब, हसमुख भाई पटेल, सावली डेसर कांग्रेस प्रमुख सहित कांग्रेस कार्यकरो खास उपस्थित रहा था। छेल्ला केटलाय समय थी भाजप में भर्ती मेड़ो चाले छे, जेटलो कचरो कांग्रेस में साफ थवो जोईए एटलो साफ थई गयो छे, आपणे गभरावानी जरूर नथी। खरी कांग्रेस तो मतदारों तमे छो, नेताओ नथी। चूंटणी आवी रही छे, आपणे तैयारी में लागी जवू जोईए। राज्यनी प्राथमिक शाळाओं में शिक्षकोनी घट छे, ते भरपाई थती नथी, ते भाजपनी पॉलिसी छे। खानगी शाळाओं में फी भरीने गरीबना छोकरो जवानो नथी, माटे गरीब भणे नहीं तेव भीखाभाई रबारीए भाजप पर आकरा प्रहार कर्या हता अने जणाव्युं हतुं के ज्यारे जिला प्रमुखे जणाव्युं हतुं के बूथ समितिओनी रचना करी आवती आगामी लोकसभानी चूंटणीमां कामे लागी जवू जोईए, त्यारे प्रभारीए जणाव्युं हतुं के लोकशाहीमां तमने जे मत अधिकारनो अधिकार मळ्यो छे तेनो सदउपयोग नहीं करो तो आगामी दिवसोमां भविष्य खराब आवशे। एटलू याद राखजो, राजकारण में धर्म ने लावू जोईए नहीं। विविध वक्ताओं आगामी चूंटनी में कांग्रेस ने जीताड़वा राहुल गांधी ना हाथ मजबूत करवा आह्वान कर्युं हतुं। भेगा मळीने बूथ समिति अने बीएलओ जे बधी समिति बनावानी अने अने एनी अंदर मतदान केटलुं वधारे थाय, केवी रीते थाय, मतदान वधारे करावा माटे पार्टीनी तरफेणमां करावा माटे આ વ્યૂહરચનાના ભાગરૂપે આ મિટિંગ રાખવામાં આવી છે। પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિની સૂચના અનુસાર આગામી લોકસભાના સંદર્ભે સૌ સાવલી ડેસરના જે સંગઠનના કાર્યકરો છે, જે ક્રીમ કાર્યકરો છે, એ લોકો સાથે સંવાદ કરીને આગામી લોકસભાની જે રણનીતિ છે એ બાબતે ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે થઈને આજે અહીંયા આ મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। એમાં ઘણા બધા વક્તાઓએ જે કોંગ્રેસની વાત છે એ રજૂ કરી છે અને દરેક કાર્યકર આ વાત ગામડા સુધી પહોંચાડે એ રીતનું એક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે।